आइए आपको बताते हैं, आज 16 अक्टूबर को भोजपुरी पर्दे पर 3 फिल्में रिलीज हुई हैं और तीनों का हाल क्या है। आपको बता दें कि बलम जी, लव यू, लोहा पहलवान और दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 आज ही के दिन रिलीज हुई है और दुर्गा पूजा के मौके पर इन तीनों फिल्मों ने क्या धमाल मचाया है दर्शकों के बीच, आइए जानते हैं। तो पहले आपको बता दें, ये तीनों फिल्में बिहार और झारखंड में एक साथ रिलीज हुई हैं। इन तीनों में से बलम जी लव यू का रिस्पांस काफी तगड़ा बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि बलम जी लव यू को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है और जहां जहां बलम जी लव यू फिल्म लगी है थिएटर में, वहां वहां हाउसफुल के डोर ऑलरेडी लग चुके हैं। साथ ही पवन सिंह की फिल्म लोहा पहलवान को भी रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, लेकिन इस फिल्म को एक खामियाजा बार बार इसकी रिलीज डेट बदलने की वजह से भी भुगतना पड़ रहा है। यह फिल्म कई बार कई कई कारणों की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। फाइनली यह फिल्म अपने तय रिलीज डेट के 3-4 महीने बाद रिलीज हो रही है। साथ ही पवन सिंह के फैंस पवन सिंह की फिल्म को देखने का एक भी मौका नहीं गंवाना चाहते, इसलिए फिल्म को देखने के लिए भीड़ उमड़ भी रही। लेकिन फिल्म के साथ ताज्जुब की बात ये है कि पवन के काफी फैंस को ये पता ही नहीं है कि फिल्म लोहा पहलवान 16 अक्टूबर यानी कि आज ही के दिन रिलीज हो रही है। खैर, अब चलते हैं प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ, जहां उनकी फिल्म दुल्हन चाहे पाकिस्तान से 2 रिलीज हो गई है और इस फिल्म को भी अच्छा रिस्पांस दर्शकों से मिल रहा है, क्योंकि फिल्म में भारी भरकम डायलॉग हैं और फिल्म को बड़े ही लार्ज स्केल पे बनाया गया है। लेकिन एक साथ 3 फिल्में रिलीज हो जाने के कारण दर्शक काफी कंफ्यूज हैं, क्योंकि ये तीनों ही फिल्में बेहतरीन हैं। लेकिन शुरुआती रुझान को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि खेसारी लाल यादव यहाँ बाजी मारते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी फिल्म बलम जी लव यू को काफी पसंद किया जा रहा है। खासकर उनके और अक्षरा सिंह के आइटम सॉन्ग ने तो धूम मचा रखी है। इस आइटम सॉन्ग को अब तक YouTube पे महज 7 घंटे में 10 लाख लोगों ने देख लिया है, जो कि एक तरह का अपने आप में ही रिकॉर्ड है। और आपको बता दें कि खेसारी और अक्षरा की केमिस्ट्री को लोग अच्छा खासा पसंद भी कर रहे हैं। अगर बलम जी लव यू को इसी तरह का रिस्पांस मुंबई, गुजरात और अन्य जगह जहां जहां फिल्म अभी रिलीज होना बाकी है, मुंबई में तो 17 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी, अगर वहां भी इसी तरह का रिस्पांस मिला तो ये कहना गलत नहीं होगा कि खेसारी की ये दूसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म होगी इस साल की। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।